हेलो फ्रेंड्स, जून से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में 90 प्लस कैसे लाएं, ये एक महत्वपूर्ण एंड अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज मैं श्योर तरीके से आपको बता दूंगा कि आप 90 प्लस कैसे ला सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि अगर जून या जुलाई से आप इस शेड्यूल से पढ़ते हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, तो आपके 90 प्लस श्योर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, गारंटी मेरी है। बस इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, पूरी वीडियो अगर देख लेते हो तो आपके 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता, 90 प्लस आएंगे, हर सब्जेक्ट में आएंगे। बस जो मैं बताऊं इस वीडियो में वो आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मैं इस वीडियो में टाइम टेबल और सारा कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो यार 90 प्लस तो क्लियर है। नहीं भैया, गाड़ी तो चल ही रही है, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि अपने दिमाग को फ्री रखो। क्या रखो? अपने दिमाग को जो है ना बिल्कुल फ्री रखो। आप या आप अपने दिमाग पर ये प्रेशर मत पड़ने दो कि नहीं, हाँ मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं बोर्ड एग्ज़ाम दूंगा। और निगेटिविटी से बचे, ज़्यादातर निगेटिविटी से बचे कि मतलब बुकों से पेपर नहीं आता, पेपर बाहर से पूछ लिया जाता है, उसमें न्यूमेरिकल भर दिए जाते हैं या फिर कुछ सब जो जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में रिएक्शन अलग से आ जाती है दूसरी बुक से। तो आप ऐसे अहम से बचिए। नंबर फर्स्ट बात, आप निगेटिविटी कभी मत लाइए अपने दिमाग में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं 90 प्लस ला सकता हूँ, मैं 90 प्लस लाऊंगा और मुझे किस प्रकार पढ़ना है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपने दिमाग को फ्री रखो और निगेटिविटी मत लाओ, पॉजिटिव सोचो हमेशा कि मैं ये कर सकता हूँ। और निगेटिव जो सोचते हैं लड़के या जो भी आपके जो आस पास है, उनसे हमेशा दूरियाँ बना के रखो, उनके पास ही मत जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक गोल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य तय करिए, आप ये लक्ष्य जरूर तय कर लीजिए कि मुझे 80% रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे 90 प्लस रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे 85 प्लस रिजल्ट चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो 80 की मांग करते हैं, 80-85 मैक्सिमम स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 95 के, तो वो उसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपने 80 से 85 प्लस के बीच में अपना एक लक्ष्य तय किया, तो अब आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। नंबर एक में क्या है, सबसे पहले देखना होगा कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस में कितने चैप्टर है। सपोज करिए जैसे फिजिक्स है, सपोज करिए क्या है, जैसे फिजिक्स है। अब फिजिक्स में आप एक तरफ से सारे चैप्टर को एक नोटबुक खरीद लीजिए, जो A4 फोटोकॉपी वाला पेज होता है, उसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरे का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरे का वैद्युत धारा। इस प्रकार से सारे के सारे चैप्टर आप लिख लीजिए और अपने कमरे पर, एक कोने के कमरे पर जहाँ पर आपकी निगाह पड़े, आप वहां पर उसे टांग दीजिए, ठीक है। इसके बाद 5 दिन में, समझिएगा मेरी बात, 5 दिन में आपको एक चैप्टर समाप्त करना है, ठीक है। अब जब जब आपकी निगाह इस पर जाएगी तो यहाँ पर आपको पहले याद आ जाएगा कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चला जो चैप्टर है वो मुझे कंप्लीट करना है, और आप उसे जैसे ही कंप्लीट करने पर तो उस पर ऐसे टिक मार्क मार दें, ठीक है। तो अब जब भी आपकी निगाह इस चार्ट पर पड़ेगी तो आपको ये याद आने लगेगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे इस चैप्टर पर जितने भी डेरिवेशन महत्वपूर्ण हैं तो वहाँ पर डाल दीजिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उस डेरिवेशन उन डेरिवेशन को लिख लीजिए, उस पर क्या लिख लीजिए, उन डेरिवेशन को लिख लीजिए उसी पर बड़ा सा पोस्टर पर। और उन डेरिवेशन को जैसे आपने देखा कि गॉस की प्रमेय, तो अब आपको याद आ जाएगा कि दिमाग में आपके छप जाएगा पिक्चर की गॉस की प्रमेय का पिक्चर इस प्रकार होता है और इसके बाद उसे इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ पर आपके दिमाग में बस जाएगा। तो आप एक चार्ट खरीद लाइए मार्केट से और उस पर सभी जितने भी मान लीजिए जो भी आपके चैप्टर हैं उनको लिख कर आप टांग दीजिए, ठीक है, और उन पर एक एक चैप्टर की तैयारी करते रहिए। देखिए, PCM पर लड़का बहुत ध्यान देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर बच्चा बहुत ध्यान देता है, और इंग्लिश और जो लैंग्वेज होती है आपकी इंग्लिश हिंदी उसे भूल जाता है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को 2-2 घंटे दे रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर के 3 घंटे दे दीजिए, एक घंटे 30 मिनट का टाइम एक को और 1 घंटे 30 मिनट का टाइम एक को, तो इससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है,
जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप ज़्यादा फोकस करें। सपोज करिए फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आप उसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, आपको उसको सूत्र नहीं याद होते, तो उसमें एक अलग से टाइम दीजिए आप, ठीक है, उसमें एक अलग टाइम दीजिए और एक अलग करने की सोचिए, उसे ज़्यादा पढ़िए, उसमें आप ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि वो आज ही आपका जो बोरियत सब्जेक्ट है वो आपका इंटरेस्टेड बन जाए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं बनता तो आपके रिजल्ट ख़राब करने का कारण बाद में बन सकता है, क्योंकि आज जुलाई से लेकर के जून से लेकर के आपके पास में बहुत टाइम है, गंवा तो चुके हैं टाइम, लेकिन अभी भी आपके पास सुधरने का बहुत टाइम है, ठीक है। इसके बाद आप स्वयं नोट्स, ये एक अहम बात है कि बच्चे हमेशा नोट्स मांगते हैं, तो आप एक काम करिए कि आप अपने स्वयं के अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। सपोज करिए मैंने जो डेरिवेशन बताया और पढ़ाया तो उस समय तो आपके समझ में आ गया, लेकिन मैंने जो डेरिवेशन की थ्योरी बताई तो वो दूसरी मैंने बता दी, और जो आपने जो टीचर से पढ़ा अपने टीचर से, स्कूल टीचर से, उसने सपोज करो दूसरी बता दी, तो अब आप यहाँ पर हो जाओगे कन्फ्यूज। क्या हो जाओगे? कन्फ्यूज। तो अगर आपको यहाँ से मैंने जैसे पढ़ाया और आपके समझ में आ गया, मैंने अगर पढ़ा दिया और आपके समझ में आ गया, तो आप सिंपल से इसके नोट्स वही लिख लीजिए अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी पर, और उस डेरिवेशन को उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आपके दिमाग में घुस गया है, या फिर आप अगर मेरे से समझ में आता, जिससे भी समझ में आता है, तो वहाँ पर आप लिख लीजिए। और अब मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बेहतरीन प्रिपेयरिंग कराई जाती है, तो उसकी प्रिपेयरिंग के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्वयं नोट्स तैयार करने के बाद आप रिवीजन पर फोकस जरूर करें। आप क्या डाउटनेट पर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया, उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12th से 6th से लेकर 12th तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन पर है, आज डाउनलोड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात है रिवीजन जरूर करें, आप रिवीजन के लिए अलग से 2 घंटे का टाइम जरूर निकालें पूरे सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए पर डे। अगर आप एक तरफ से तैयार करते चले जाते हैं तो आपको पीछे से भूलता भी चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ये भूल रहा है। तो आप क्या करिए, आप जरूर से ज़रूर ये मेरी बात याद रखिए कि रिवीजन के लिए 2 घंटे ज़रूर निकालिए। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, फिर 5 दिन में आपको एक चैप्टर तैयार करना है। और गई बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल एक अहम रोल रखता है आपके रिजल्ट को बनाने में, तो आप टाइम टेबल एक बना लीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। लेकिन यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि 2 घंटे आप PCM को दीजिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आप 2 घंटे दीजिए, और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गई, इनको मिलाकर आप 3 घंटे 1.5 घंटे दीजिए। इतना आप टाइम कहीं भी निकाल सकते हैं, और रिवीजन वाला जो 2 घंटे है वो अलग दे दीजिए। अगर इतने टाइम पर आप पढ़ लेते हैं, इतना टाइम आप स्टडी पर दे देते हैं आज से, जून से या जुलाई से, तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और आपको पढ़ना किस प्रकार है वो मैंने बता दिया कि आप नोट्स स्वयं के जरूर बनाइए और इतने इतने घंटे आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे अहम रोल ये रहता है कि जैसे मुझे दिसंबर में सिलेबस समाप्त करना है, या जनवरी सिलेबस को ले जाना है, या कितने दिन में सिलेबस को समाप्त करना है, तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्ज़ाम से 3 महीने पहले आपका सिलेबस हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप 10 ईयर के मॉडल पेपर देख सकें, तभी आपके 90+ आएंगे। अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो 90+ नहीं आने वाले, वहां से आपको प्रैक्टिस सेट देखने पड़ेंगे, अनसॉल्व पेपर 10 ईयर हल करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 3 मंथ चाहिए। कितने मंथ चाहिए? 3 मंथ। तो क्या करिए आप, 5 दिन में विद न्यूमेरिकल के, जैसे फिजिक्स का चैप्टर है तो पूरा समाप्त कर दीजिए, यानी हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर 5 दिन में आपका समाप्त हो जाना चाहिए। अहम बात वीडियो की यही है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप 90+ ला सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 10th 12th स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, वो सोच रहे हैं कि पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम जाती है, यार स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही।